कर दिया, लिख दिया लास्ट अटेम्प्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दो। 5 मार्क्स के लिए 2 सवाल है। हर लिस्टेड कंपनी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए, ये 2.5 नंबर। हर लिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए, 2.5 नंबर। बताओ सर, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज कंपनीज होती है उसमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव नेचर इंडिपेंडेंट, अपने को इसका आंसर जैसे लिखना होगा कि एवरी कंपनी विच इज, पहला लिस्टेड, दूसरा फिर क्राइटेरिया वाला 100 करोड़ और 300 करोड़, ठीक है, शैल हैव 1 वुमेन डायरेक्टर, पहले तो ये बताएंगे, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे फर्दर फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड गलत होगा, फ्रॉम की जगह लिखेंगे फर्दर विथ एफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इज एवरी लिस्टेड कंपनी शायद है वो क्या, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। क्या आपने ये पढ़ा है? यस सर। तो ये एग्जाम में कर पाते कि नहीं कर पाते? हाँ सर। अगला पढ़ो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए, किसका प्रोविजन बताना अपने को इसमें? स्मॉल शेयर होल्डर, कोई भी लिस्टेड ऐसी कंपनी का, कितनी लिस्टेड कंपनी और वहां पर क्या रखना जरूरी है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर। क्या सर, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाता? तो मैं मान के चलूं ये 5 नंबर में आपके 5 में 5 आ जाते। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, ध्यान से पढ़ना बिना कंफ्यूज हुए, क्या है क्वेश्चन? मैं ही छुपा दिया यार, लो जूम करूं क्या? और बताओ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिजिकली प्रेजेंट होके उसको अप्रूव करना पड़ेगा। अरे तो कोरम तो प्रेजेंट है ना, कोरम तो बन रहा है, नौ डायरेक्टर और 2 चाहिए, 1/3 और 2 चाहिए रहता है ना, 1/3 और 2। तो यार कोरम के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए थे? 3 में कितने आए हुए हैं? 4 प्रेजेंट है ना सर, तो हो जाएगा ना 5, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर, चेयरमैन, 4 वर पर्सनल प्रेजेंट, 4 मतलब कितने हुए टोटल? 5 5 पर्सनली प्रेजेंट है, तो कोरम बना कि नहीं बना? बन गया। अब इसमें से 5 डायरेक्टर ने कंसेंट दे दी है, अप्रूव कर दिया है, 3 ने ना बोला है, तो भाई मेजोरिटी तो हाँ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई कि नहीं हुई? okay. तो पहले क्या बताना, कोरम क्या होता है बता देना, क्या बताना? कोरम। फिर बताना कि डिसीजन मेजोरिटी से पास है इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होगी। बोलो, मन और जीवन में कोई समस्या है क्या? नहीं सर। कैसे लगा क्वेश्चन देख के? बन जाता आता तो कि कंफ्यूज हो जाते एग्जाम हॉल में? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखना, प्रोविजन याद है कि नहीं बताना, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन पढ़ सको, पढ़ो।
क्या मांग रहा है इसमें, कौन सा टॉपिक मांग रहा है? रिमूवल डायरेक्टर नहीं, और उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट करना, तो अल्टरनेटिव शायद, क्या बोल क्या रहा है सर? मेंबर सर्कुलेशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक हिंट दे रहा है कि कंपनी का कैपिटल भैया 6 करोड़ है। 6 करोड़ कैसे आया है? 6 लाख शेयर हैं ऑफ 100 ईच, ये आपका हिंट हो गया। अब आपको बोल रहा है कि एजीएम जो है स्केड्यूल है 15 सितंबर को, 25 अगस्त 2019 को दो ऐसे मेंबर हैं जिनके पास 5500 शेयर हैं, तो एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, तो इनके पास कंपनी में 5,50,000 रुपए के शेयर हैं। कितने के शेयर हैं? 5,50,000। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि जब मीटिंग आए तो एक पार्टिकुलर डायरेक्टर है जैसे श्रुति, उसको रिमूव कर दिया जाए। ये उसके लिए रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग सर, मेंबर सर्कुलेशन ये कंसेप्ट है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, स्पेशल नोटिस वाला। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेशल नोटिस जो होता है मीटिंग के 14 दिन पहले भेजना होता है और केवल 4 काम के लिए, डायरेक्टर को हटाना, नए डायरेक्टर को लाना, ऑडिटर को हटाना, ऑडिटर को लाना, को अपॉइंट करना। और इसमें एलिजिबल मैंने किसको बताया था? जिसके पास कंपनी का 1% ऑफ वोटिंग राइट, 5 लाख पेडल शेयर कैपिटल, 5 लाख। और अब इनके पास कितना है? 5,50,000। तो बताओ ये एलिजिबल है कि नहीं? कंपनी को इनके नोटिस पैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो इसमें आपको पूरा रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस समझाना पड़ेगा और उसका तरीका मतलब प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा। कितना समझ में आया सर? बोलो बोलो। ये जो 5 लाख पेडअप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है उसका ऐसा था कि वो 5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, अप टू 5 लाख लिखा हुआ था। वी शैल नॉट बी लेस देन, लिखा है होल्डिंग शेयर ऑन विच सम एग्रीगेट ऑन विच सच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहाँ पे आपको याद रखना है जिसके 5 लाख है उससे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। समझ गए? ठीक है। 1% या 5 लाख उससे ज्यादा, नॉट लेस देन की लाइन याद रखना। ठीक है सर। ये क्वेश्चन और इसका आंसर समझ आया? हाँ। अगला पढ़ो, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखना है इसका आंसर? नोटिस को भेजना है जनरल मीटिंग पर। अरे बेटा इसमें टाइम लिखना है, टाइम अपना टाइम है, नहीं अलाउ नहीं कर सकते, 2 PM हो गया ना, 6 PM के पहले। अरे टाइम टू अलाउ अलाउड है, अरे तो अलाउड है ना, 9 बजे के बाद 6 बजे के पहले, 9 से 6 के बीच करना, 9 से 6 के बीच में आएगा ना, है कि पहले हाँ। करना होता है ना, हाँ, तो 2 बजे 6 के पहले ही होता है ना, 2 PM अरे PM अरे समझ गए कि नहीं समझे भैया? यस सर, बस इसमें टाइम को है, 2 PM लिखा है ना, 2 PM 9 बजे के बाद मीटिंग का नोटिस होना चाहिए, 6 बजे के पहले, शाम 6 बजे के पहले। सर तो और क्या लिखना पड़ेगा? क्या इसमें आपको प्रोविजन बताना होगा टाइम ऑफ जनरल मीटिंग का 2 लाइन में, और इन द प्रेजेंट केस आपको बताना होगा द टाइम फॉर सेंडिंग मोर नोटिस इज इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट। बताओ कोई दिक्कत?
नहीं सर। क्वेश्चन का लेवल कैसे है, समझ आ रहा है? मॉडरेट। हाँ सर। अगला पढ़ो। बताओ। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का कॉन्सेप्ट है? नहीं गलत जा रहे, बहुत गलत। नहीं नहीं तो बोर्ड रिलेटेड पार्ट कैन डेलीगेट इट्स पावर। सर वो ऑथराइज किया है ना, मतलब वो कर सकता है इस चीज को। कमिटी और एनी पर्सन, बोर्ड अगर चाहे तो अपनी पावर ऑथराइज कर सकता है किसको, कमिटी को या किसी पर्सन को। ये चीज हमने क्लास में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। तो इसमें राजीव और सुरेखा दो डायरेक्टर हैं। अब राजीव 2 महीने के लिए बाहर जा रहा है तो ये अपनी जनरल पावर किसके नाम ट्रांसफर करके जा रहा है, डेलीगेट करके जा रहा है? रणबीर। बिल्कुल कर सकता है, ये डेलीगेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बाइंडिंग रहे। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? यस सर, आ गई। सर इससे मतलब पूरा पावर ऑफ डेलीगेशन जो था बोर्ड पर वो लिखना है ना पूरा उसका? पूरा पावर नहीं लिखना, खाली डेलीगेशन बता, खाली डेलीगेशन। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पूरा दिमाग लगा के पढ़ना इसको, पढ़ो। नोट्स अगर पढ़ लोगे ना जो दिया हूं आपको, उसकी एक एक लाइन, कोई भी क्वेश्चन देश में आएगा बना लोगे। पढ़ो ये कहां से आया ये बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा भी कहां से। जोई, जोई, बताओ। श्रुति बेटा बताओ। सर वो अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि एनपीओ में अब मेंबर अपॉइंट होता है एनपीओ का। आपको मैंने जब प्रॉक्सी पढ़ाया तो उसमें ये बात बताई है कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें एक मेंबर ही जो है वो दूसरे मेंबर का क्या हो सकता है, प्रॉक्सी। तो यहाँ पर ये प्रॉक्सी अपॉइंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहाँ पर क्लब ने जो एक्शन लिया वो वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है। ठीक, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं कि क्लब का एक्शन इनवैलिड है क्योंकि लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं पता है। कोई भी टीचर बता के निकल जाता है प्रॉक्सी यार कौन होता है जो आपके बदले मीटिंग अटेंड करे। ये आपको कहां कौन इतने डिटेल में ऐसे बताएगा कि सेक्शन 8 कंपनी में एक मेंबर ही दूसरे मेंबर का हो पाता है, ये सब कंपनी लॉ में मांगा जाता है। आई मेरी बात समझ में? क्वेश्चन का आंसर लिख पाते कि नहीं? आपको इसमें क्या मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी बताना है और नीचे बताना है कि इन सेक्शन 8 कंपनी ओनली अ मेंबर कैन क्या मेंबर कैन बी एक मेंबर ही प्रॉक्सी इन द प्रेजेंट केस द एक्शन ऑफ द क्लब इज वैलिड because Prerna is a non-member in Section 8 company and hence ये तो आपके own word हो सकते हैं ना, cannot be appointed as क्या proxy, समझ proxy for the member। नहीं समझे? हाँ सर समझे। पढ़ो अगला क्वेश्चन। डिंग 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 बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर चाहे डिसाइड हो जाए चाहे नहीं हो पर लीगल कंप्लायंस के लिए नोटिस भेजना जरूरी है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है पहले ये पढ़ो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या चाह रहे हैं?
अगली मीटिंग का डेट और टाइम डिसाइड किया। ठीक, तो अब नोटिस भेजना है कि नहीं भेजना है? नोटिस तो जरूर जाएगा भाई, कितने दिन पहले जाएगा? 7 डेज। ठीक है, तो नोटिस की लेंथ होती है कभी भी बोर्ड मीटिंग होने से पहले आपको 7 दिन का नोटिस भेजना होता है। आर्टिकल में लॉन्गर पीरियड प्रोवाइड किया जाते हैं। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बनेगा। पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो, और ये क्वेश्चन में टाइमलाइन बना देना। सबसे पहली चीज ये है अपना, यहाँ पे प्रशांत नाम का बंदा है, ये कंपनी का एमडी है, ये कब रिजाइन कर रहा है कंपनी से? 15 अक्टूबर। ठीक, अब उसके बाद कंपनी ने क्या किया, एक सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर जिसका नाम क्या है, क्रिस्टीना कैली, ठीक है, इनको कब रख दिया? 1st नवंबर। कौन सी मीटिंग के थ्रू? बोर्ड मीटिंग। ठीक है, ये मीटिंग हुई कब? 31 अक्टूबर को ही, और इनको बोला गया कि 1 नवंबर से आप हमारी कंपनी की क्या हो, एमडी हो। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं? आ गई। आगे, कैली केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ऑन 1 जनवरी 2018। ये पहली बार भारत कब आई थी? January 2018। ये इसका इंडिया का फर्स्ट टाइम अराइवल था, ये नई कहानी है अभी। ठीक है, ऐसे रफ वर्क में एग्जाम में बनाना, कब फिर पूरी टाइमलाइन को मिलाना होगा। 1st जनवरी 2018 को शी गॉट अपॉइंटेड इन कंपनी, कंपनी में सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर कब बनी? 1st अप्रैल। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये 1 दिसंबर से ट्रेनिंग प्रोग्राम में थी, ठीक है, 6 महीने के, और फिर ट्रेनिंग अटेंड करके वापस भारत कब आई? 1st जून 2019 को। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ इसका अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं, आप बताओ इसका अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है? समझा दूं? हाँ सर। भाई प्रशांत नाम का एमडी था, 15 अक्टूबर को निकल गया कंपनी से, ठीक है। क्रिस्टीना कैली को बोला गया कि तुम क्या करो, 1 नवंबर से हमारी कंपनी के एमडी बन जाओ, ये बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया। अब क्रिस्टीना की आगे कहानी बताई गई है कि ये भारत में पहली बार 1 जनवरी को आई थी, ठीक है। उसके बाद इसको कंपनी में कब अपॉइंट किया गया था? 1 अप्रैल को। क्या अपॉइंट किया गया था? डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है। फिर ये 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए 1 दिसंबर को चली गई थी, अब 1 जून को भारत आई है। तो इसकी कहानी से हमको मतलब क्या है? बोर्ड को अपॉइंट करना था, बोर्ड ने कर दिया, ये कहीं से डिस्क्वालिफाइड है क्या? नहीं। तो इसमें क्या करना है, इसके एमडी के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताना है भाई, कि अब बोर्ड मीटिंग तो हो गई है, अब जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, और इसके लिए आरओसी केस क्या जमा किया जाएगा? MGT 14 जमा करना, और DIR 12। ये बीच पानी सिर्फ आपको चक्री जैसे घुमाने के लिए दी थी। आई बात समझ में? हाँ सर। ऊपर ही बात खत्म हो गई थी, वो सीधे बोल देता, बताओ इसको एमडी कैसे रखना है, प्रोसीजर क्या, बीच में आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया, वो कहीं भी जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन और कहानी? यस सर। अब बताओ एग्जाम में कितने बच्चे इसको बना के आए होंगे, आप खुद नंबर बताओ। एग्जाम में क्या टाइम की कमी रहती है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन देके हड़बड़ा जाते हैं। तो बेटा अपना एकदम फील लेना, क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में बैठे हुए हो, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अंदर ही हिंट दिया है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। समझ गए मेरी बात को? यस सर। नीचे आओ, पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन के दो पार्ट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ये एक नंबर है और नीचे का तीन नंबर है, ऐसा है टोटल चार नंबर। सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम और उसके नेटवर्क को सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। एक नंबर, क्या सारे मैटर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिसाइड कर सकते हैं? जवाब है नो। कुछ होते हैं बनता नहीं बनता, सीख लो बेटा, एग्जाम में ऐसे ही आने वाले क्वेश्चन है ना। अगला क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन पढ़ के देखो बना पाओगे कि नहीं बताना। बहुत इजी सा है आपको मैं हिंट देता हूं। चेयरमैन ने तो 10 मिनट लेट है, तो अपन दूसरे को मतलब प्रेजेंट मेंबर्स में से दूसरे बना के स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, अगर कोई पहले 5 मिनट तक ना आए तो जो प्रेजेंट हो गया तो क्या करेंगे? दूसरा इलेक्ट करने से किसी को चेयरमैन बना के मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अच्छे समझ आ गई बात? यस सर। नहीं है तकलीफ इसमें? नहीं। अगला पढ़, जूम करता हूं। बताइए आंसर क्या होगा। कभी भी क्वेश्चन आए ना, नंबर ऑफ डायरेक्टर को देख कोरम देख लिया करो कितने से चाहिए आपको, इसमें कितने लोग से कोरम बनना चाहिए कम से कम? सर 4। 4 से 4। अब बताओ क्वेश्चन का क्या हिसाब होगा सर? तो उसमें अप्रूव हो जाएगा कि कोरम का डायरेक्टर कितने दे रहे हैं रिजोल्यूशन की, तो फिर मीटिंग में ही वो लोग रिजोल्यूशन पास करेंगे, सर्कुलेशन से नहीं होगा। रिक्वायर्ड कोरम लायक डायरेक्टर आने को तैयार है तो सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है, फिजिकल मीटिंग करके ही क्या किया जाएगा, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, रिजोल्यूशन पास करेंगे। हैंड रेस करके बताओ कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई। हैंड रेस करके बताओ कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई। भाई बाय सर्कुलेशन क्या होता है, कोई नहीं आ पा रहा है तो घर बैठ के वोट करा देंगे, ठीक बात है, लेकिन मैंने एक बात बोली आपको कि अगर इसमें कोरम आने को तैयार है तो फिर आप फिजिकली ही मीटिंग करोगे, ध्यान आ रहा है क्या? आपको कॉपी में भी दिखाया हुआ ये सारी चीजें मैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। फिर जिस दिन कंपनी उस पे मतलब कंफर्म करती है रेजिग्नेशन अप्रूव कर देती है उस दिन मानते हैं ना शायद नोटिस 30 डेज में ध्यान से सुनो नोटिस ऑफ मेरे को भी बोलने दो ना थोड़ा सा। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन या डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर लेटर यहां पे 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2019 है ना। अब कितने दिन में अपने को आरओसी को बताना है? 30 डेज कोई एक करेगा तो भी चल जाएगा इसमें। कितना क्लियर है? हाँ सर। बता पाओगे तो आपको क्या बताना है? द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैलाश इज क्या? 15 दिसंबर। डेट अप टू विच कंपनीज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू आरओसी विद इन 30 डेज। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। पढ़िए। और बताइए सर, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 45 डेज के अंदर उनको ईजीएम करना। और नहीं बुला पाए तो मेंबर
जिनका वन टेंथ ऑफ पेड अप कैपिटल है बोर्ड ईजीएम बुलवा सकते हैं। जब ये रिक्वेस्ट डालेंगे तो कितने दिन में बुलानी है? नॉट 21 से 21 डेज और हेल्ड करनी है 45 डेज, ठीक है, और अगर फेल होगा तो नॉट लेटर देन 3 मंथ। 90 डेज मतलब लिखना, क्या लिखना? 3 मंथ। तो कर पाते कि नहीं कर पाते ये बताओ वेदिका बेटा। अगर अभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको क्या लगता है, अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करके जाओगे तो कर दोगे ये सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट? हां सर। तनीषा? हां सर। अटेम्प्ट कर दोगे ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में? सर अभी प्रैक्टिस से ही है। अभी कर क्या रहे हैं अपन डेजी, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है रोज अपने को, है ना? नंदनी? यस सर। रिशिता? हाँ सर। बताओ भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दो। चलो एक पर्सन कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है? 20 उसमें 10 पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के डायरेक्टरशिप पर अपॉइंटमेंट है। इसमें अल्टरनेट भी कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट इंक्लूड करते हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर क्या इंक्लूड नहीं करते? सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो अब यहां पे हिसाब किताब क्या है, कितनी पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर है भाई? 8 में, उसमें 2 गवर्नमेंट है, बाकी गवर्नमेंट का कुछ हो गया के हो गए, ठीक है। कितनी प्राइवेट कंपनी में है? प्राइवेट सर 8 हो जाएगा, 8 प्राइवेट कंपनी और 2 सब्सिडियरी, तो इसमें 8 प्राइवेट हो गई, पब्लिक में चलेगी, और ये 2 किसमें चली गई? पब्लिक कंपनी में सब्सिडियरी, क्योंकि पब्लिक सब्सिडियरी सब्सिडियरी है, हो गया डीम टू भी पब्लिक हो जाएगी, ठीक। अब और एक हो गया अभी ये, इसको भी गिनेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर को? प्राइवेट कंपनी सर, अल्टरनेट गिनेंगे क्या? नहीं, सेक्शन 8 कंपनी होती। अभी कितनी कंपनियों में टोटल डायरेक्टर है? 70 से 17 कंपनियों में, तभी और कितने में बन सकता है? 3 में सर, 3 उसमें 2 पब्लिक और, ठीक है। अब उसमें और फर्दर एक्सप्लेन करना बोल दो, इसमें से पब्लिक कितनी हो सकती है? 2 पब्लिक और 1 प्राइवेट। अच्छे से समझ गए कांसेप्ट के? नहीं समझे ये बताओ। क्या होता है एग्जाम में मेहनत ये होती है कि हमको ना क्वेश्चन पे ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप हर चीज पढ़े हुए होते हो पर क्या टाइम की कमी रहती है और इंसान थोड़ा नर्वस रहता है तो उतना जल्दी ना माइंड अप्लाई नहीं कर पाता। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि रोज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि एग्जाम में आपको एकदम ये आसान लगने लग जाए। तो ये आपका पेपर था कौन से अटेम्प्ट का? जस्ट पिछले अटेम्प्ट का, दिसंबर 2020 का पेपर। आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो ऐसे कोई भी पेपर है आपसे एकदम आराम से बन जाएंगे। मेरी बात समझ आई? कल सुबह 8:30 बजे पढ़ते हैं, एमपी को कंप्लीट कर देते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना, इसको रिकॉर्ड कर दिया हूं ना मैं, ठीक है, सब रिकॉर्डिंग रख रहा हूं। सर पीडीएफ भेजना ना? पीडीएफ भेज दे। हाँ वो उसका के एमपी का भेज दे।